Of course, even though we might not be together in person, but we are together in a meeting where we can see each other and we can have this interaction and this wonderful time of ministry and fellowship. Praise the Lord. James Singh. प्रभु को धन्यवाद हम देते हैं कि हम लोग व्यक्तिगत रूप से तो हम लोग भेंट नहीं कर सक रहे हैं, फिर भी हम लोग इस जूम के माध्यम से हम लोग दूर और नजदीक से भी हम लोग एक दूसरे को देख सकते हैं और हम लोग संगति कर सके. It's so good to see a few of the familiar faces on the screen. और जो स्क्रीन में मैं अभी देख रहा हूँ कि बहुत लोग को मैं पहचानता हूँ. I notice Mukesh is still in the honeymoon stage. और मुकेश को भी मैं पहचानता हूँ, अभी हनीमून का ही स्टेज में बोल के बोल रहे हैं. मुकेश, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग एंड ऑन योर मैरिज. द लॉर्ड ब्लेस यू. भाई मुकेश को मैं बधाई देना चाहता हूँ आपके शादी के लिए, कि प्रभु आपको आशीष करे. पास्टर कमलेश एंड ऑल द बिलीवर्स इन गोपालगंज, जेएमसी, इट्स गुड टू सी ऑल ऑफ यू. पास्टर कौन बोला? पास्टर कमलेश. पास्टर कमलेश को भी मैं जेमेसी बोलता हूँ. I can see I could also see brother Santosh. He was in the screen. So greetings to brother Santosh as well. संतोष भाई को भी मैं जेमेसी बोलना चाहता हूँ. मैं स्क्रीन में देख रहा हूँ अभी भाई संतोष को. आपको भी मैं जेमेसी बोलता हूँ. But I also give greetings to all of you, dear brothers and sisters, who have made your time to join this gathering and this time of worship, fellowship, and ministry together. और मैं सभी भाई और बहनों जो हम लोग का विश्वासी भाई और बहनों है और ये जूम के माध्यम से आप जुड़े हैं, सभी को इस आराधना और प्रभु का वचन से आप जो भी सुनेंगे सबको मैं अभिवादन, क्रिश्चियन अभिवादन में टकराता हूँ. What a privilege that we can be together, even though you are in Bihar, I am in Shillong, and it feels like we're in the same room together. एक बड़ी हमको एक मौका हमको मिला है कि हम लोग दूर है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि हम एक साथ है, एक ही रूम का अंदर में है जैसा हमको लग रहा है. So yes, today on behalf of the Assembly Church of Jesus Christ in India, I extend greetings from all of the leaders, from all of the pastors, from all of the believers that are here in Meghalaya, but all over India, to all of you precious saints of God at the in the state of Bihar. We are so very delighted to see each and every one of you. और आप सभी को मैं देख के मैं हमको बहुत प्रसन्न हुआ है कि और इसीलिए मैं पूरी असेंबली की ओर से हम लोग का जितना भी ऑल ओवर इंडिया में जितना भी हम लोग का संगति है, हम लोग का कलशी है, सभी कलशी की ओर से मैं एक प्रेसिडेंट का एक अगुआ होने का प्रेसिडेंट होने का नाता मैं आपको अभिवादन में भेजता हूँ. Well, of course, we look forward to the day that we can travel again so that we can see you face to face, either in Bihar or anywhere else in India. और आने वाले दिनों में जब सब कुछ खुलेगा तो हम वही राह देख रहा है कि हम लोग आके आप लोग को मिल सके, ताकि आप सभी के बीच में हम लोग संगति आपको दे सके. But this afternoon, we are so grateful to the Lord for his goodness and for his kindness and for his mercy that endures forever. ये दिन के घड़ी में हम प्रभु को धन्यवाद देते उसके अनुग्रह के लिए और कृपा के लिए कि आपके बीच में मैं आ सकूं. I hope that you understand that we are living in very perilous times. और मैं जानता हूं कि आप लोग को मालूम होगा कि जो समय हम लोग में जी रहे हैं वो जो कठिनाई का समय में हम लोग होके गुजर रहे हैं. The entire world is going through a very, very difficult challenge at the moment. और सारा विश्व में नहीं वो कष्ट का समय हम लोग को झेलना पड़ रहा है अभी का समय में. But we are so blessed that even in spite of the great challenge that the world is going through, the word of God says
Blessed is the man who trusts in the Lord. ऐसे चुनौतियों के बीचों में भी हम लोग ये जानते कि परमेश्वर का वचन जो धन्य के वो हम लोग को सामर्थ देगा. For we will be like Mount Zion. और माउंट सियोन जैसा जो पर्वत सियोन पर्वत के जैसे हम लोग बनेंगे. The place where God dwells. जहां पर परमेश्वर का उपस्थिति हम लोग को मिलता है. The place where God gives divine superlative times. और मैं जहां पे आपको छोड़ा था मैं उधर से ही मैं फिर शुरू करना चाहता हूं कि जो समय हम लोग जी रहे ये समय एक कठिनाई का समय है. But this is the time that the church needs to be prepared, needs to arise and be the, you know, be the channel of blessing that God wants for us to be to the nation of India. और ये कठिनाई का समय में भी हम लोग कलसी वो परमेश्वर का वचन को घोषणा करने के लिए और जो ज्योति हम लोग है चमकने के लिए ये उठने का समय है. Because if we live from the place of trusting and putting our faith and our confidence in the Lord, यदि हम प्रभु पर भरोसा करके हम लोग जब जीते हैं then we will be able to see God's presence and God's hand manifested in us and through us so that the world around us will realize that there is answer and the answer is Jesus Christ. यदि प्रभु में होके हम जब जीते हैं तो जितने भी हम लोग के पड़ोसी है और हम लोग का देश का जितना भी अन्य जाति है जो प्रभु को नहीं पाया है हम लोग के जीवन से यदि प्रभु पर हम लोग जीते प्रभु के आज्ञा पे चलते तो वो लोग के लिए हम आशीष के कारण बन सकते हैं. Because even though everything around us seems to be shaken and seems to be, you know, in chaos and confusion, but none of that can affect the kingdom of God. हम लोग व्यवहारिक तौर से जब हम लोग चारों ओर देखेंगे हम लोग वही देखेंगे कि जो अभी कोलापन मचा है आज भी लोग कंफ्यूजन में है चिंता में है और यदि ये सब को छोड़ के यदि प्रभु में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग के लिए कोई भी असंभव बातें नहीं है. Because as children and as sons and daughters of the King of Kings and the Lord of Lords, we live from the reality of the rule and reign of Christ. क्योंकि हम प्रभु के जन होने के कारण से जो प्रभु हम लोग को अधिकार दिया है प्रभु का सामर्थ्य में हम लोग को जीना है आगे बढ़ना है. And when the Lord Jesus Christ rules and reigns in every area of our lives. और जब प्रभु यीशु क्राइस्ट हम लोग के जीवन में जब हर एक जीवन के क्षेत्रों में वो राज करेंगे there will be his righteousness, there will be his peace, there will be his joy, and there is the demonstration of the power of the Holy Spirit working in us and through us. यदि परमेश्वर की अगुवाई में उसके आत्मा में हम लोग जिएंगे तो परमेश्वर का धार्मिकता आनंद और शांति हम लोग के जीवन में कायम होंगे. So that's the first thing that I want to encourage each and every one of you this afternoon. और वो पहली बात आपको मैं बोल के मैं आप लोग को उत्साह देना चाहता हूं. Because we have the word of God promising us. क्योंकि प्रभु का वचन हम लोग के बीच में जो हम लोग को हमेशा हौसला देता है. That when we put our trust and when we put our faith and our confidence in the Lord Jesus Christ. और जब उसका वचन को लेके जब प्रभु पर हम लोग पूर्ण रूप से हम लोग भरोसा करते हैं. First of all. पहली बात. We will not be afraid. हम लोग नहीं डरेंगे. पहली बात ये होगा कि प्रभु में हम लोग जब पूरे दिल से भरोसा करके जिएंगे तो हम लोग नहीं डरेंगे. One of the greatest things that is affecting the world right now is fear. और यही बात है जो कि अब अभी हम लोग देखिए सारा विश्व में आदमी लोग डर में जी रहे. यही एक कारण है कि
people are afraid of the virus. क्योंकि हम लोग को मालूम है कि सब आदमी लोग वायरस से डरे हुए हैं. They are afraid of the vaccine. और खाली वायरस से नहीं, वैक्सीन से भी आदमी लोग डरे हुए हैं. But the greatest fear actually is the fear of death. और उससे बड़ी चिंता और डर यही है कि आदमी लोग मरने के लिए डर रहा है. I was just following the news a few days ago. और कई दिनों पहले मैं न्यूज़ देख रहा था. And it is reported that in the state of Bihar. और उसमें दिखा रहा था कि बिहार के अंदर में. That the number of deaths that were reported was only 7,000 plus. और उसमें खाली 7,000 plus जो मृत्यु है उसका गणना 7,000 से ऊपर था. But when they went and checked the records, it was more than 74,000 deaths in Bihar. लेकिन सत्यता में जब वो लोग जाके जब रिकॉर्ड चेक किया तो 74,000 से भी ज्यादा मृत्यु था उधर. Which means there were 10 more times the number of people who died already in the second wave, just in the state of Bihar. और सिक्किम वेव में हम लोग देखते कि कितना आदमी लोग मरा है तो इसमें हम लोग को मालूम हो रहा है अभी. And so that's why people are afraid of death. इसीलिए आदमी लोग मरने के लिए बहुत डर रहे हैं. But I want to remind you this afternoon. लेकिन इस दिन के घड़ी में आपको फिर मैं समझाना चाहता हूं. That Jesus said these words. यीशु ने ये बोला है अपने वचन में. In the Gospel of Matthew chapter 10. मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का. When you read from verse 26 onward. मत्ती 10 का 26 से जब हम लोग पढ़ते हैं. The word of God tells us that. प्रभु का वचन हम लोग को ये बोला है. So you do not have to be afraid of them. For nothing that is covered will not be revealed, or hidden that will not be known. इधर ऐसा लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 10:26 में, इसलिए उनसे डरना मत क्योंकि जो कुछ छिपा है सब उजागर होगा और हर वो जो गुप्त है प्रकट की जाएगी. तो प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है. So do not worry, God will make sure that everything will be revealed. तो इसलिए हम लोग को नहीं डरना है क्योंकि प्रभु सब कुछ प्रकट करेगा कि जो कुछ भी प्रकट होना है उसका ही हिसाब से प्रकट होगा. Everything will be uncovered, everything will be revealed by the Lord. प्रभु सब कुछ प्रकट करेगा और वही प्रकट करेगा. Why? क्यों? Because he is the light. क्योंकि वो ज्योति है, प्रभु ज्योति है, इसलिए वो सब कुछ प्रकट करता है. Jesus said, I am the light of the world. क्योंकि यीशु स्वयं उसने बोला कि मैं जगत के ज्योति हूं. So when the light shines, इसलिए जब ज्योति चमकता है, the light has the capacity and the ability to reveal what is being hidden. इसलिए ज्योति का एक क्या होता है कि एक खासियत होता है कि जो भी बातें है वो सब कुछ प्रकट कर देता है. So that's why Jesus said, बातें सब कुछ प्रकट कर देता है. That's why Jesus said, do not be afraid. इसीलिए यीशु ने बोला है कि तुम मत घबराओ. I am the way, I am the truth, I am the life, he says in John 14:6. क्योंकि योना रचित सुसमाचार 14:6 में वही लिखा है कि मैं ज्योति हूं, मार्ग सत्य और जीवन हूं. And no one can come to the Father but by me. और कोई भी पिता के घर में मेरे सिवा
कोई उधर नहीं पहुंच सकेंगे. So Jesus says, I will make sure that everything that needs to be revealed will be revealed. इसलिए यीशु ने बोला कि जो कुछ भी प्रकट होना है तो वो मैं प्रकट करूंगा. And he says, what I tell you in the dark, say in the light, that you, what you heard whispered, proclaim from the housetops. और जो भी प्रकट होना है तो वो घर में वो प्रभु अपने ज्योति की सामर्थ्य प्रकट करेगी. What does Jesus wants for us to proclaim and to declare? प्रभु क्या हम लोग का जीवन से हम लोग घोषणा करे बोल के प्रकट करे बोल के वो हम लोग का जीवन से चाहता है. Jesus wants for us to proclaim and to declare the good news of the gospel of the kingdom. और प्रभु हम लोग का जीवन से यही चाहता है कि हम लोग जाके उसके राज्य के घोषणा करें, प्रचार करें. Good news, the good news of salvation that the people in India needs to hear. और मुक्ति का जो सुसमाचार है, जो हम लोग का जो भारतवासी है, सभी को वो सुनने, सुनना है. ये हम लोग को काम करना है. That God loves us so much that he gave his only begotten son to die on the cross for us, and Jesus Christ, by virtue of his death, burial and resurrection, has defeated Satan, sin and death, and that's why we can preach this gospel. क्योंकि प्रभु यीशु क्राइस्ट ने मृत्यु को जीता है. प्रभु ने शक्ति और सामर्थ्य में क्रूस में जाके अपने जीवन देके आप और हम लोग को बचाया है. इसलिए वो बातें हम लोग को घोषणा करना है. Jesus says, go and proclaim this. Go and declare. यीशु ने बोला कि ये बातें तुम जाके सभी को बताओ, proclaim करो. Why? क्यों क्यों हम लोग को घोषणा करना है, घोषित करना है? Because there in the following verse he says, and do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. और आगे हम लोग जाके जब पढ़ेंगे, इधर लिखा है कि जो 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 तुम्हारा शरीर को हानि करता है उससे तुम मत डरो, लेकिन जो आत्मा को नहीं मार सकता है उससे डरो. Right now at this moment. और ये समय में the world is overtaken by fear of death. और ये संसार में हम लोग देखते कि जो मृत्यु के डर से सभी लोग जी रहे हैं अभी. They are afraid only of the physical death. क्योंकि वो लोग खाली शरीर के मृत्यु के लिए सभी आदमी लोग डर में जी रहे हैं. This COVID-19 virus can only kill this mortal body. और ये COVID-19 का जो वायरस है ये खाली प्राथमिक शरीर को, ये बाहर का शरीर को खाली मार सकता है. You have to understand that this is a mortal body, and if the virus gets into your body, the virus can, if you are not strong enough to resist the virus, can affect you, can make you sick, can even kill you. और ये जो हम लोग का नाश्वसन शरीर, ये खत्म होने वाला जो शरीर है, कोई भी इंसान को जब ये वायरस संक्रमित करता है तो वो बीमार हो सकता है, वो कमजोर हो सकता है और उसका देहांत भी हो सकता है. India, we have lost almost 4 lakh people because of the virus. और इंडिया में हम लोग देखते 4 लाख से भी ज्यादा आदमी लोग वायरस से संक्रमित होके मर चुके हैं. But that virus can only kill the body. और हम लोग को मालूम है कि वायरस किसी को नुकसान ही पहुंचा सकता है. But Jesus is telling us here. लेकिन प्रभु यीशु हम लोग को इस पद में ये बोला है, Do not fear those who can kill only the body but cannot kill the soul. मत्ती 10 का 28 में लिखा है, उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नष्ट कर सकते हैं किंतु तुम्हारी आत्मा को नहीं मार सकते. But rather fear him who can destroy both soul and body in hell.
लेकिन तुम लोग को जब डरना है तो उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारे आत्मा को नरक में डालकर नष्ट कर सकता है। This is what Jesus wants for us to preach. तो प्रभु यीशु क्राइस्ट ये हम लोग प्रचार करें, ये हम लोग को सिखाता है। The gospel of ऐसा हम लोग को सिखाता है। The gospel of the kingdom is good news. क्योंकि प्रभु का जो वचन है, राज्य का जो सुसमाचार है, वो हम लोग के लिए एक सुसमाचार वो हम लोग को प्रचार करने का यही उद्देश्य है। Because the scripture tells us that we all have sinned and come short of the glory of God, and the wages of sin is death, as Paul writes to the church at Rome. क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है कि सभी ने पाप किया है, इसीलिए परमेश्वर से महिमा रहित हुआ है, और पाप का जाला मृत्यु है। But because God loves us so much, उसका जाला मृत्यु है। But because God loves us so much, He made sure that we will not have to remain in that sinful condition. लेकिन प्रभु हम लोग को इतना प्यार करता है, प्रभु नहीं चाहता कि हम लोग पाप में जिए, प्रभु चाहता है उससे हम लोग बाहर निकले। See, my dear brothers and sisters and everyone that's listening to me this afternoon, I want to tell you that there is a virus that is more dangerous than the COVID-19 virus, and that virus is the virus of sin. लेकिन आपको प्रिय मेरे विश्वासी भाई बहन जो भी है इस जूम में आप लोग अटेंड हुआ है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ COVID-19 वायरस से भी खतरा वायरस हम लोग का पाप का वायरस है। And that virus has already been overcome by the finished work of the Lord Jesus Christ at the cross. लेकिन वो वायरस जो पाप का जो वायरस है प्रभु ने क्रूस में उसे ऑलरेडी 2000 पहले उसने जीत लिया था। Paul says to the church in Rome in chapter 5 that when we were yet sinners, God gave his son to come and take our place, to die in our place, so that we who actually needed to pay the price for the penalty of our sin now can be saved because Jesus took our place. रोमियो का पत्र 5 का 8वें शायद लिखा है, पर परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम दिखाया जबकि हम तो पाप ही थे, किंतु यीशु ने हमारे लिए प्राण त्यागे। इसमें लिखा गया है रोमियो का 5:8 में। He who knew no sin. और जिसने पाप को जाना ही नहीं था, He became sin for us. वो हम लोग के लिए एक पापी ठहरे। So that we can receive forgiveness, we can receive the righteousness of God in Christ. ताकि उसके द्वारा हम लोग को क्षमा प्राप्ति हो सके और हम लोग को धार्मिकता हम लोग मिल सके उसके द्वारा। That's why the scripture tells us in John chapter 3 verse 16 onward, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believe in him should not perish but have everlasting life. तो हम लोग को मालूम है कि यूहन्ना का 3:16 में लिखा है, परमेश्वर को जगत ने इतना प्रेम किया कि उसने अपने एक पुत्र को दे दिया ताकि वो जिसको विश्वास करे, जो उस पर विश्वास करे वो नाश न होए परंतु अनंत जीवन मिले, बोल के हम लोग को सब मालूम है ये। And we know that Jesus did not come to the world to condemn the world. और हम लोग को मालूम है कि प्रभु यीशु क्राइस्ट संसार को दोष लगाने के लिए नहीं आया है। But he came to save the world. लेकिन इसीलिए आया कि ताकि जगत को only, वो जीवन दे सके, बचा सके। The only expectation that he has of us is to accept by faith and trust and believe in him the gift of eternal life. और हम लोग का जीवन से प्रभु यही चाहता कि उसके बातों को, उसका अनंत जीवन को हम लोग प्रदान करे ले विश्वास के द्वारा। This is the gospel that we need to go and preach. यही सुसमाचार हम लोग को प्रचार करना है दूसरों को भी। This is what India needs to hear. और यही हम लोग का भारत का हर एक निवासी को ये सुनने का जरूरत है।
that there is a vaccine that has been given by God in His Son Jesus Christ to take away and to eradicate the virus of sin out of our lives. और वही प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा हम लोग को वो वैक्सीन प्राप्त कर सकते हैं उसके द्वारा, ताकि प्रभु यीशु में जो अनंत जीवन है, पाप क्षमा है, वो वैक्सीन को लेके दूसरों को हम लोग बचा सकेंगे, छुटकारा हम लोग दिला सकेंगे. Because when we believe and we accept by faith the gift that Jesus Christ gives, we are set free from the condemnation of sin and death. Hallelujah. क्योंकि यीशु क्रिस्ट को जब हम विश्वास करते हैं, उसके वरदान को, अनंत जीवन के वरदान को हम लोग अपना जीवन में लेते हैं, तो हम लोग को उद्धार और छुटकारा मिलता है. And we are set free from the fear of death. Because when we believe in Jesus Christ has taken away our, He has taken our place. And not only that, He has taken the judgment that we were supposed to take on the cross so that we pass on from death to life when we put our faith in Jesus Christ. जब हम यीशु क्रिस्ट को हम विश्वास करते, हम लोग मृत्यु से हम लोग जीवन में हम लोग घुस जाते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग को जीवन प्राप्त होता है यीशु क्रिस्ट के द्वारा. In other words, my dear friends, और दूसरे तरफ से मैं यदि मैं बोलने से, when we receive the ultimate vaccine, which is the finished work of the cross in our lives, we will not be afraid of death anymore, because we already would be living forever, even though this body might still die, but we are already alive spiritually forever. और हम लोग ये जानते कि आंतरिक जो आत्मा में, जब हम लोग विश्वास करके यीशु में हम लोग को उद्धार मिला है, वो वैक्सीन जो हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका है, ये शरीर नाश होने के बाद होने से भी हम लोग को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि आंतरिक आत्मा में हम लोग ऑलरेडी जिंदा हो चुके हैं. You know, nowadays people are afraid to even go and get themselves tested. और आप हम लोग को मालूम है कि अभी का समय में आदमी लोग वायरस टेस्टिंग के लिए, कोविड टेस्टिंग के लिए जाने से भी आदमी लोग तकराता है, डरता है. Why are they afraid? क्यों ऐसे वो लोग डर रहे हैं? You know, I tell the people here that I meet all the time. I said, why would you be afraid to be tested? It means that you're still afraid of death. तो मैं यही मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि आदमी लोग ऐसा क्यों कर रहा है, कि क्या सचमुच में आदमी लोग मरने के लिए सचमुच में डर रहे हैं, इसीलिए टेस्टिंग के लिए नहीं जा रहा है. मैं पूछता हूँ कभी कभी. Then I would tell them, I have good news for you. और ऐसा समय में वो लोग को मैं यही बोलता हूँ कि आपके लिए मेरे पास में एक शुभ समाचार है. If you receive Christ, if you believe in the Lord Jesus Christ, you will not have to die anymore, because those who believe and put their trust in Jesus Christ already lives forever. और मैं वो लोग को यही बोलता कि यदि आप प्रभु मसीह में विश्वास करते, आप नहीं मरेंगे, लेकिन आप प्रभु में जिएंगे, क्योंकि प्रभु हम लोग को जीवन देता है. Yes, your body might still die. हम लोग बाहर से देखने से शरीर में हम लोग सचमुच में हम एक दिन हमको सब मरना है. But our spirit lives forever. लेकिन हम लोग का आत्मा हमेशा आत्मा में हम लोग जिएंगे. When anyone has the revelation of the reality that you are already alive spiritually forever, you will not be afraid of death. यदि कोई हम लोग को मालूम होता है कि यदि हम लोग शरीर में हम लोग मरने से भी आत्मा में हम लोग हमेशा जिंदा रहेंगे, यदि हम लोग विश्वास करते हम लोग कभी नहीं मरेंगे. You know, Paul says to the church at Corinth, Paulus, कोरिंथी का मंडली में ये पत्र लिखा है. He says to be present in the body is to be absent from the Lord. और वो बोला है कि शरीर में उपस्थिति देना आत्मा में वो बाहर होना है. What is Paul saying? Paul is क्या बोलना चाहता है इसमें? Paul is saying that in order for us to be present with the Lord, first of all, we have to either die to this
this mortal body so that our spirit can be in the presence of the Lord, or either that or Jesus comes back. And when Jesus comes back, we will be changed. This body will be changed in an instant from being a mortal body to being an immortal body, because we have already been born again by the Spirit of God. और प्रभु पौलुस का पत्र में वही पौल बोला है कि यदि हम लोग प्रभु को भेंट करना चाहता है तो हम लोग को शरीर में मरना है, और दूसरी बात ये कि जब प्रभु मसीह खुद हम लोग को लेने के लिए आएंगे, तब लोग हम लोग का ये जो प्राथमिक शरीर है, जो बाहर का जो शरीर है, वो परिवर्तन होके महिमित शरीर में प्रभु के साथ में हम लोग भेंट करेंगे. You know, I just lost my mother about a month ago. आप लोग को मालूम है कि एक महीना पहले मैंने अपने मम्मी को गुमाया है. My mom has gone to be with the Lord. और मेरे मम्मी माँ प्रभु में, प्रभु के घर में अब वो गई है. When I say that, आप लोग को ये बोल रहा हूँ, it is her spirit and her soul that is in the presence of the Lord. और मैं जब आप लोग को ये बातें बता रहा हूँ, मैं शरीर के बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आत्मा अभी प्रभु के घर में है बोल के आपको मैं समझा रहा हूँ. Her mortal body we have buried in the grave. और जो हम लोग का ये बाहर का जो शरीर है, हम लोग को एक दिन हम लोग गाड़ा जाएगा, एक दिन हम लोग को मरना पड़ेगा, हम लोग को गाड़ा जाएगा एक दिन शरीर में. Yeah, because that mortal body has already been buried in the grave. क्योंकि एक दिन हम लोग को सब मरना है और हम लोग सब गाड़े जाएंगे मिट्टी के अंदर में. And when Jesus comes back, I know that my mother will receive a brand new immortal body with the spirit that will come and dwell in that body, and she will be alive forever, spirit, soul, and body. और हमको मालूम है कि एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह हम लोग को लेने के लिए आएंगे, मेरी मम्मी भी एक दिन महिमा के शरीर में वो उठेंगे और हम लोग के साथ में सब उसके राज्य में हम लोग के साथ में वो भी प्रवेश करेगी. हम लोग मैं ये सब जानता हूँ. That is the good news, and I look forward to that day where I will have a reunion with my mother in the presence of the Lord. और ये हमको पक्का विश्वास है कि वही मेरे लिए एक शुभ समाचार है कि मैं एक दिन मम्मी को उसके राज्य में मिलूंगा जब वो लेने के लिए आऊंगा, यीशु मसीह लेने के लिए आएगा. This is the good news of what it means to put our faith and trust in Jesus Christ. तो हम लोग के लिए यही सुसमाचार है. जब हम प्रभु यीशु में हम लोग विश्वास करते हैं, हम लोग के लिए ये एक सुसमाचार है. Because that's what will guarantee us from being able to be delivered from the judgment that will come, because the judgment that will come will be based on whether we accepted or rejected Jesus Christ. और इसी का आधार में यदि हम लोग प्रभु यीशु क्राइस्ट को विश्वास करेंगे या उसको हम इनकार करेंगे, न्याय उसी के मुताबिक में होगा. Because it's only God who can kill both the body and the soul and destroy both of that in hell. क्योंकि खाली प्रभु यीशु मसीह शरीर और आत्मा को नरक में भेज के नष्ट कर सकता है. Because those who reject the gift of eternal life. क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन का जो वरदान दिया है, जो इनकार करता है, तो वो लोग के लिए नरक का नसीब होता है. Exactly, on judgment day, that's what will happen. वही न्याय का दिन में ये सब बातें हम लोग दिखेंगे. So that's why Jesus says, do not be afraid of him who can kill the body, but be afraid of him who can kill both the body and the soul in hell. इसीने यीशु ने बोला है कि जो शरीर को नुकसानी पहुंचाता है उससे तुम मत डरो, लेकिन जो तुम्हारा शरीर और आत्मा को नरक में नुकसानी करता है, नष्ट करता है, उससे तुम डरो बोल के यीशु ने बोला है. But then he goes on to say, are not two sparrows sold only for a penny?
In the following verse. और कितना था वो पद उसका? Verse 29 of chapter 10 of Matthew. Matthew का 10 का 29 ना? अच्छा, इसमें ऐसा लिखा गया है कि एक पैसे की दो चिड़ियों में से भी एक तुम्हारे परमपिता के जाने बिना, उसकी इच्छा के बिना धरती पर नहीं गिर सकती। तो इसमें ऐसा लिखा गया है कि प्रभु के इच्छा बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। Verse 29? 29 पद में ऐसा लिखा है। Yeah, Jesus says, "Are not two sparrows sold for a penny, and not one of them will fall to the ground apart from your Father. But even the hairs of your head are all numbered. Fear not, therefore; you are more value than many sparrows." तो इसमें ये लिखा है, एक पैसे की दो चिड़ियों में से भी एक तुम्हारे परम पिता के जाने बिना और उसकी इच्छा के बिना धरती पर नहीं गिर सकती। अरे, तुम्हारे तो सिर का एक एक बाल तक गिना हुआ है, इसलिए डरो मत। तुम्हारा मूल्य तो वैसे अनेक चिड़ियों से कहीं अधिक है। जो कोई मुझे सब लोगों के सामने अपनाएगा, मैं भी यही तक है, 31 तक ना। See, the God who can destroy the spirit and the body in hell is saying that he cares for us so much that, you know, even though one sparrow will not fall to the ground without his knowledge. और प्रभु का वचन यही बोला है कि जो शरीर और आत्मा को दोनों नष्ट कर सकते हैं नरक में, वही परमेश्वर हम लोग को इतना प्यार करता है कि इतना चिड़िया, छोटे छोटे चिड़ियों को भी कितना ख्याल करता है। तो हम लोग को कितना वो ख्याल कर सकता है, ये हम लोग को जानना है। He is saying that your life is far more valuable than the sparrow. और वो यही बोलना चाहता है कि तुम्हारे जो जीवन है वो चिड़ियों से भी बढ़कर तुम है, तो तुम क्यों डरते हो? And he's saying that he does not want any one of us to perish. और इसमें ये भी लिखा गया कि प्रभु नहीं चाहता कि कोई हम लोग में से हम लोग नष्ट होए। And he desires that all of us would have everlasting life. और वो चाहता है कि हम लोग को, हम सब को अनंत जीवन मिले। What does he say in the verse following? और आगे का पद में उसने क्या बोला है? He says, "So everyone who acknowledges me before men, I also will acknowledge him before my Father who is in heaven. But whoever denies me before men, I also will deny before my Father who is in heaven." और इसमें आगे जाके लिखा है कि 32 और 33 पद में, जो कोई मुझे सब लोगों के सामने अपनाएगा, मैं भी उसे स्वर्ग में स्थित अपने परम पिता के सामने अपनाऊंगा। किंतु जो कोई मुझे सब लोगों के सामने नकारेगा, मैं भी उसे स्वर्ग में स्थित परम पिता के सामने नकारूंगा। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, this is the good news that God is giving us the privilege to put our faith, our trust, and to make our confession that Jesus Christ is the Lord of our lives. और ये प्यारे भाई और बहनों, ये हम लोग के लिए सुसमाचार है कि हम लोग ये जो सुसमाचार हम लोग घोषणा करें, जो प्रभु ने हम लोग को दिया है जीवन। Because when we confess and we receive by faith the gift that Jesus comes to give. क्योंकि जब हम विश्वास से, यदि हम लोग अपने मुख से स्वीकार करके उसको हम लोग स्वीकारते हैं, तो ये हम लोग को प्रदान होता है। He gives us eternal life. मिलता है, क्योंकि उसने हम लोग को इसी विश्वास के माध्यम से हम लोग को अनंत जीवन दिया है। But even for our life here on earth, he comes to give us the life where we can experience the rule and reign of Christ, affecting every part of our being, our spirit, our soul, and our body. लेकिन खाली स्वर्ग में नहीं, लेकिन इस पृथ्वी में भी हम जब होते तो ये सब पृथ्वी में भी होके हम लोग को ये मिल सकता है, जो उसने हम लोग को अनंत जीवन, शांति, मुक्ति दिया है,
इस धरती में रह के भी हम लोग को मिल सकता है. Paul says to the church at Rome, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of life in Christ Jesus now sets them free from the law of sin and death. Hallelujah. तो इसलिए रोमियो का पत्र में पॉल ने बोला कि इस प्रकार अब उनके लिए जो यीशु मसीह में स्थित है कोई दंड नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं. तो रोमियो का 8:1 में ऐसा लिखा गया है. This is the reality of what it is when we come to this living relationship with our Lord and Savior Jesus Christ. तो ये जो हम लोग को मिलता है जीवन, जब जीवित परमेश्वर के संबंध में हम लोग जीते तो ये सब हम लोग को मिलने को मिलता है जब उसमें हम लोग विश्वास करके जीते हैं. We receive this the you know the gift that God gives in that he recreates us in Christ so that we can live exactly the way that God wants for us to live here on earth. We are sons and daughters of the King of Kings and the Lord of Lords. जब आत्मा में होके हम लोग जीते तो उस आत्मा के दो समय में वाकई में बहुत आदमी लोग मरे हैं कि लाखों आदमी लोग मर चुके हैं. फिर भी मैं आप लोग को फिर भी रिमाइंड करना चाहता हूँ. That please do not be afraid. मैं आप लोग को फिर बताना चाहता हूँ कि आप लोग मत डरे. Because Jesus, who is the Lord who spoke the words that he will not allow one sparrow to fall to the ground without his knowledge, he will make sure that none of us will fall to the ground without his knowledge. क्योंकि आप हम लोग को मालूम होना है कि हम लोग को समझना है कि प्रभु की इच्छा के बिना कोई भी चिड़िया भी पेड़ से जमीन पर नहीं गिरेगा, उससे उसका इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होगा. तो ये हम लोग को जानना है. And he's giving us the privilege to come and accept the finished work of the cross so that we can be already assured of our eternal life. क्योंकि प्रभु यीशु कृष्ण ने जो ऑलरेडी क्रूस में जो हम लोग के लिए गई बलिदान हो के जो हम लोग को जीवन प्रदान किया कि वो हम लोग को प्राप्त मिल सके, बोल के प्रभु चाहता है हम लोग का जीवन से. And so if you've already accepted the gift of forgiveness and eternal life from Jesus Christ, praise the Lord for that. यदि आप सभी ने यीशु क्रिस्ट को अपने जीवन में ले आए, वो मुक्ति और अनंत जीवन आपने प्राप्त किया है, तो प्रभु को महिमा हो. यदि आपने ऑलरेडी प्रभु को अपने जीवन में लिया है तो. But if you have not, I want to say, open your heart to the Lord and receive this by faith, because Jesus already finished at the cross everything that was needed to forgive you, to make you a brand new person, and to give you eternal life. यदि आप लोग में से ऐसा कोई कि अभी तक आपने अपने जीवन में प्रभु मसीह को नहीं लिया है, तो ये आपके लिए बड़ी एक सुसमाचार हो सकती है कि वो जीवन जो प्रभु यीशु कृष्ण ने क्रूस में अपने जीवन देके हम लोग को दिया है वो आपको मिल सकता है आज के दिन में. But it does not end there, because when we receive that, we can live from the reality now of being born again, and the law of life in Christ Jesus will operate so that we can live from the place where we can access the finished work of the cross. और खाली यहाँ तक हम लोग को सीमित नहीं होना कि हम लोग को अपने प्रभु को पाया है, उसमें हम लोग को सीमित नहीं होना है कि प्रभु ने ऑलरेडी हम लोग के लिए जो किया है तो उसमें जीते जीते हम लोग को आगे बढ़ना है प्रभु के सामर्थ में. That's why Jesus said, I came to give you more life, abundant life, where sickness, disease, and the curses of poverty, sin, and death has been reversed by the Lord Jesus Christ. और पाप और मृत्यु से जीवित हम लोग प्रभु मसीह में जीवित होके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यीशु ने ऑलरेडी हम लोग के लिए जो किया है वो हम लोग को खाली विश्वास से हम लोग को लेना है. And so therefore we can live from the place where even in a year where there is a pandemic, even in a year where there is drought,
even in a year where there is, you know, a hunger and poverty, that God will make sure that He will take care of you. He will give you a body that is healthy. He will give you a mind that is sound. He will give you a spirit that is sealed with the Holy Spirit. और ऐसा कठिनाई का समय में हम लोग अनिकाल के समय में कष्ट के समय में जैसे हम लोग गुजर रहे हैं हम लोग जी रहे ऐसा समय में भी प्रभु का जीवन प्रभु का जो प्राण आत्मा और शरीर में प्रभु हम लोग को जीवन प्रदान कर सकता है उसमें हम लोग प्रभु में हम लोग जी यदि हम जीते हैं तो so that as you live your life in Christ and by Christ and through Christ you will experience God's kingdom manifesting in you and through you. यीशु क्रिस्ट में हम लोग जिएंगे यीशु क्रिस्ट के सामर्थ्य से हम लोग जिएंगे यीशु के लिए हम लोग जिएंगे तो ये सब हम लोग को मिल सकता है यीशु क्रिस्ट के अनुग्रह से Just like the children of Israel experience. जैसे कि हम लोग को मालूम है कि इजरायली लोग कैसे वो लोग जिए थे परमेश्वर में When they left from Egypt to go to the promised land. और वो लोग मिस्र देश से जो कनान के देश में जब वो लोग यात्रा किया था तो क्या हुआ था God made sure that they were protected. God made sure that they were provided for. If it's water, if it's food, God made sure that no sickness or no disease can affect them. और हम लोग को मालूम है कि इजराइल लोग जब इतने कठिनाई के समय में मिस्र देश से जब कनान की यात्रा में 40 साल तक परमेश्वर ने वो लोग को खिलाया वो लोग को पिलाया और वो लोग को कपड़े जूते वो नहीं फटे थे हम लोग देखते कि प्रभु के हाथ प्रभु के अनुग्रह वो सब के जीवन में हम लोग दिखे हैं That's how and that's what God wants to do in us and through us as we put our trust and our faith in Him. वही परमेश्वर आज हम लोग के लिए भी वो कर सकते हैं जो इजरायली लोग के लिए किया है वही परमेश्वर आप और हम लोग को बचा सकेगा खिला सकेगा पिलाएगा परमेश्वर सब जुटाएगा ये समय में भी so that all the rest of India can know that Jesus Christ is Lord and they can come to accept him as their Lord and Savior and they can be saved and can have eternal life but also can live the blessed life here on earth ताकि हम लोग के जीवन के कारण से हम लोग जब प्रभु मसीह में विश्वास में जिएंगे हम लोग के जीवन को देख के भारत में जितना भी आदमी लोग है तो वो लोग हम लोग के जीवन को देख के प्रभु को महिमा देगा और वो लोग भी प्रभु को पाएगा That's the good news that we have this afternoon. तो ये दिन का घड़ी में यही हम लोग के लिए सुसमाचार है And if there's any one of you that have not accepted Christ, I invite, open your hearts, call upon the name of the Lord, and He will come and He will save you, and the Holy Spirit will come, and He will regenerate in you a brand new spirit so that you can receive the gift of the Holy Spirit. और ये समय में यदि हम लोग के बीच में ऐसा कोई भाई बहन है जिसको ये पाने का जरूरत है प्रभु आपको नया आत्मा दे सकता है प्रभु आपको नया जीवन दे सकता है यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो And as the Holy Spirit comes and lives and dwells in each and every one of us जब पवित्र आत्मा हम लोग के जीवन में आके राज करता है वास करता है तो हम लोग के जीवन में क्या होता है All that is needed is that we yield and we allow ourselves to be led and be guided by the Holy Spirit जब प्रभु के अगुवाई में हम लोग चलेंगे तो ये सब हम लोग को मिलेगा And the Spirit of God will make sure that we will live the life that He has designed for us to live. और पवित्र आत्मा हम लोग को उसके सामर्थ में हम लोग को जीना है बोल के वो हम लोग को सामर्थ देगा अगुवाई करेगा ताकि हम प्रभु के आगे हम लोग अच्छे चेलो बन सके I want to remind you in conclusion और अंत में आपको ये बोल के मैं अपना वचन को अंत करना चाहता हूँ And God actually wants for us, He designed for us to live a fruitful life, a productive life, a life that sees
multiplication and the filling of the glory of the earth, or the glory of the Lord in us and through us all around the earth. प्रभु यही चाहता कि हम लोग फलवंत जीवन जे पवित्र आत्मा के शक्ति में ताकि हम लोग का जीवन से और को हम लोग गवाही दे सके प्रभु के राज्य के बारे में सुसमाचार हम लोग प्रचार कर सके हम लोग के जीवन से And all of that can be done in and by the power of the Holy Spirit. और ये सब कुछ हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हम लोग कर सकेंगे Because it's not by our strength and our ability, it's not by might, it's not by power, but by the Spirit of the Lord. क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम लोग कर सकेंगे. Welcome the Holy Spirit into your life, and your life will never be the same again. पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आप स्वागत कीजिए ताकि आपका जीवन पुराना जीवन जैसा नहीं होगा प्रभु आपको फलवंत जीवन देगा And God, when the Holy Spirit lives in you, He will do everything that is needed for you to live as a citizen of the kingdom of God. यदि पवित्र आत्मा आपके जीवन में राज करेंगे जो एक परमेश्वर का राज्य का पुत्र और पुत्री जो हम लोग को जिस तरह से जीना है पवित्र आत्मा ही हम लोग को अगुवाई करेगा सिखाएगा And He will glorify Jesus Christ in your life and through your life. और वो पवित्र आत्मा यीशु को महिमा देने के लिए हम लोग को सिखाएगा कि किस तरह से हम लोग को यीशु को महिमा देना है And that, my dear brothers and sisters, is the blessed life. और यही एक फलवंत जीवन है आशीषित जीवन है जो परमेश्वर हम लोग के जीवन से ताते है Because the Holy Spirit will always lead us to do the will of the Father. क्योंकि पवित्र आत्मा हम लोग को हमेशा जो पिता का जो इच्छा है वो पूरा हो बोल के हम लोग को सहायता करता है अगुवाई करता है Because he's the spirit of truth. क्योंकि वो सत्य का आत्मा है He will teach us all truth, he will lead us and guide us into all truth, and he will enable for us to live and to do the will of the Father. क्योंकि वही हम लोग को सभी सत्य की बात सिखाता है सत्य में अगुवाई करता है और सत्यता में जीने के लिए हम लोग को सामर्थ्य देता है It's time for Bihar to experience the mighty, mighty move of the Holy Spirit. और ये बिहार के लिए भी एक समय है प्रभु ने आप लोग को दिया है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आप लोग गवाही बने Time for the river of the Holy Spirit to flow to every district, to every village, to every town, and every city in the state of Bihar. और पवित्र आत्मा के नदी आपके जीवन से बहते हुए हर एक गली शहर में आप लोग गवाही बन सके यीशु मसीह के नाम में. And how's that going to happen? It's going to happen because He will do it in you and through you as vessels, as those channels where the river of God will flow into the nation of India. और आपको मालूम है ये सब कैसे होगी आपका जीवन से ही होगा प्रभु आपका ही जीवन से ये कार्य करेंगे पवित्र आत्मा के सामने